अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एक ना दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। इसी कड़ी में विगत 18 अप्रैल को दो शातिर बदमाशों ने हरियाणा के रेवाड़ी के सेक्टर 3 में रात करीब 11 बजे पहले तो एक घर की डोरबेल बजाई और फिर उसमें रह रहे एक बुजुर्ग से पिस्टल की नोक पर अलमारी में रखे 50,000 लूट लिए। फिर उनकी ये सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब ये दोनों शातिर पुलिस के गिरफ्त में हैं। वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक जमाल खान ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक जिला रेवाड़ी के गांव मुंडन वास का रहने वाला है, जो पीड़ित के घर दूध देने आता था, जिसे उनके घर की हर स्थिति का अंदाजा था। इसी को आधार बनाकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात में उपयोग किए गए असला और लूट की कुछ रकम इनमें से बरामद कर ली गई है। तकरीबन 11 बजे दो लड़के हथियारबंद थे जो, और सेक्टर 3 के एक मकान में घंटी बजा करके एंट्री करते हैं और वहाँ लूटपाट करते हैं। तो एसपी साहब ने रात में ही खुद मौके का दौरा किया और सीआईए टीम भी पहुँच गई थी, हम सब भी पहुँच गए थे। तो एसपी साहब ने स्पेशल एक टीम गठित की और निर्देश दिए, क्योंकि बहुत सीरियस मामला था, एसपी साहब ने बहुत सीरियसली इसको लिया। तो उसमें हमारी सीआईए की जो टीम है उन्होंने दो लड़कों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। तो एक लड़का वीरेंद्र सिंह है जो गांव मुंडनवास का है, और दूसरा उसका साथी है जो वो बुलंदशहर का यूपी का रहने वाला लड़का है, राहुल नाम जिसका है। उनसे जब पूछताछ की तो ये हमारी जो सेक्टर 3 वाली वारदात थी लूट वाली, तो ये भी उन्होंने यस करी है और भाई हमने ये वारदात की थी, तो जिसमें ये 50,000 रुपये लूट कर ले गए थे, तो उसको हमने ट्रेस आउट कर दिया है। अभी रिमांड पे हैं वो, दो दिन के रिमांड के दौरान पूछताछ में नया कुछ आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर